गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देख लो चैनल को सब्सक्राइब कैसे करते हैं। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इस पर आपको टिक करना है और बगल में एक बेल आएगी उस पर भी आपको टिक करना है। तो गाइस मैं अपना वीडियो कैसे क्रिएट करता हूँ, कैसे एडिटिंग करता हूँ, आज की वीडियो में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ साथ ये भी बताने वाले हैं कि जो मैं वीडियो मतलब रिकॉर्ड करता हूँ कैमरे से करता हूँ या फिर अपने मोबाइल से करता हूँ या फिर उसमें जो एडिटिंग का काम करते हैं वो अपने सिस्टम से एडिटिंग करता हूँ या फिर अपने फ़ोन से एडिटिंग करता हूँ, सारी चीज़ें आज की वीडियो में फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी खास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए 101% काफ़ी यूजफुल है। अगर आप एक यूट्यूबर नहीं है, क्रिएटर नहीं है, तो ये वीडियो उतना खास नहीं है जितना खास आपके लिए होना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बकवास न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी अनेबल करना। इससे क्या होगा, हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप हमारी हर वीडियो जल्दी फास्ट देख पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी वीडियो क्रिएट करता हूं शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कहने का मतलब यह है कि जब मैं चैनल अपना क्रिएट किया था तब से लेकर आज तक सारी वीडियो में जब जो भी रिकॉर्ड किया वो अपने स्मार्टफोन से रिकॉर्ड किया। हाँ, मैं जब शुरुआत में अपना मतलब चैनल बनाया था तो माइक्रोमैक्स का हमारे पास स्मार्टफोन था, मैं उसी से वीडियो रिकॉर्ड करता था। बट जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया तो उसके बाद हम जब भी वीडियो रिकॉर्ड करते थे तो हमारे पास रेडमी का फ़ोन है, रेडमी नोट 5। मैं इससे अपने फ़ोन अपने मतलब वीडियो को शूट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, रेडमी नोट 5 पे स्मार्टफोन से अपने वीडियो को शूट करता हूँ। और साथ साथ अब बात आती है कि भाई जो रिकॉर्ड मतलब जो एडिटिंग का काम होता है क्या मैं सिस्टम से करता हूँ या फिर मोबाइल से करता हूँ। तो भाई सिस्टम हमारे पास काफ़ी दिनों से है, आप वीडियो में देख पाएंगे ये हमारा सिस्टम है, लैपटॉप है। मैं चाहूँ तो इससे भी एडिटिंग कर सकता हूँ और कभी कभी मैं करता भी हूँ। बट अगर मैं अपने वीडियो की बात करूँ कि हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड है उनमें से 85% यानी 85% वीडियो हमने अपने मोबाइल से ही एडिटिंग किया है। कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो हमारे चैनल पड़ी है उनमें जो एडिटिंग का काम किया है मतलब वो अपनी स्मार्टफोन से ही किया है। अब गाइस आपके मन में एक सवाल और उठता होगा कि भाई जब आप एडिटिंग करते हैं तो वो कौन से एप्लीकेशन से करते हैं, पावर डायरेक्टर या फिर काइन मास्टर? तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस शुरुआत में हमने जब हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था तो उससे पहले जितनी भी वीडियो हमारे चैनल पे थी करीब 90% वीडियो हम अपने पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन से हमारे फ़ोन मतलब हमारे फ़ोन में जो पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन होता था मैं उससे ही एडिटिंग का काम करता था। और जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया तो उसके बाद भी हम पावर डायरेक्टर से कुछ दिन एडिटिंग किए, फिर साथ साथ अब शायद इस समय या कुछ दिनों से हम अपने फ़ोन में काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिए हैं। अब मैं जो एडिटिंग का काम करता हूँ काइन मास्टर से करता हूँ। शायद आपको पता होगा कि भी पावर डायरेक्टर भी काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, साथ साथ काइन मास्टर भी काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। बट फ़र्क यह है कि कुछ फीचर कुछ फैसिलिटी पावर डायरेक्टर से ज़्यादा काइन मास्टर में होती है। तो अगर आप चाहें तो पावर डायरेक्टर से भी एडिटिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो काइन मास्टर से भी एडिटिंग कर सकते हैं। फिलहाल दोनों एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे एप्लीकेशन है। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही आपको बताने वाले थे कि आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से अच्छी खासी वीडियो शूट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यार कि शुरुआत में आपके पास DSLR कैमरा ही होगा तभी आप यूट्यूबर बन पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन का कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, आप उससे ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ।